कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, क्या ये स्टॉक एक रेंज में फंस चुका है? स्टॉक जनवरी मंथ में क्या टारगेट बना सकता है? अगर स्टॉक को 6 महीने होल्ड करते हैं तो यहां से कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप शेयर टूडे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल्याण ज्वेलर शेयर से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन जो देगा आपको बड़ा प्रॉफिट। वीडियो के अंत में मैं आपको स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस, स्टॉक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। स्टॉक की बेसिक चीजें जाने तो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहेगा अराउंड 329 रुपीज। 329 रुपीज स्टॉक का करंट प्राइस है। स्टॉक के बेसिक चीजें जाने तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 33,909 करोड़ रुपए। स्टॉक का करंट प्राइस 329 रुपए। स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया 359 रुपए, जहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30 रुपए की गिरावट दिखा चुका है। और स्टॉक का 52 वीक लो है 98 रुपए 20 पैसे, जहां से ये स्टॉक अभी काफी ऊपर ट्रेड कर रहेगा। स्टॉक का पीई रेशियो देखें तो 65 रुपए 40 पैसे, जो कि काफी अच्छा पीई रेशियो देखने को मिल रहा है स्टॉक का। और स्टॉक के बुक वैल्यू देखें तो अराउंड 37 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का आरओई है 13 रुपए 50 पैसे। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक ने 5% का रिटर्न दिया है, तो वहीं 1 महीने के अंदर 15%, 3 महीने में 47%, 6 महीने में 210% और 1 साल के अंदर 233% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है लगातार। कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें तो 2000 पीछे के 4 साल के सेल्स की बात करें तो 2020 में 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स देखने को मिली, तो वहीं मार्च में 8,500 करोड़ रुपए, 2022 में 10,808 करोड़ रुपए और 2023 में 14,000, जो कि लगातार देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो कि 2023 सॉरी 2024 में जो इनका एस्टिमेट सेल्स का आएगा वो अराउंड 16,000 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। लगातार सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है कंपनी का। एक्सपेंस की बात करें तो 2020 में 9,000 करोड़ रुपए, 2021 में 7,949 करोड़ रुपए, 2022 में 9,965 करोड़ रुपए और 2023 में 12,906 करोड़ रुपए। और इस बार जो इनका एक्सपेंस आने वाला है 2024 में, वो अराउंड 14,836 करोड़ रुपए का अनुमान कंपनी मानकर चल रही है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, उस हिसाब से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 142 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, तो वहीं 2021 में 6 करोड़ रुपए का लॉस, 2022 में 224 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2023 में 432 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो वहीं पर इस बार 2024 में अनुमान है 497 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आने का अनुमान है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अब लगातार देखें तो पीछे के 3 साल में लगातार एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहां पर कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो लगातार स्टॉक के निचले लेवल पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक का हाई बनता हुआ नजर आया 359 रुपीज। 359 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप लगाया, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक का नीचे के एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है 312 रुपीज। 312 रुपीज के स्टॉक में एक फ्रेश सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 310 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 420 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।